स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूँ हाड़ोती, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों आज प्रोग्राम के सफर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। शहर के अनंतपुरा इलाके में हम हैं और आज यहाँ के लोगों से हम जानेंगे इनके मन की बात। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आपका नाम? मनवर। तो सर प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में, क्या कहना चाहेंगे आप? हाड़ोती जो इस टाइम पे कम्प्लीट हो रही है जी, बहुत ही बढ़िया सिटी हो रही है कोटा सिटी। और मैं सरकार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जी कोटा की तरफ इतना ध्यान दिया। मेरा छोटा सा स्टॉल है जी, अभी रोजगार बिल्कुल ही डाउन चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है जी। तो इनका मानना है कि शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे ये खुश हैं, लेकिन रोजगार की जो स्थिति है वो थोड़ी सी मुश्किल अभी इस वक्त इन लोगों के लिए है। तो ये चाहते हैं कि सरकार इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। और अब हम एक और स्टॉल पर आ गए हैं और यहाँ पर हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं इनके मन की बात। सर प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, लॉकडाउन के बाद तो जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद पढ़ाई में भी क्या आ रहा है, गंदा पानी भी कुछ नहीं चल रहा है जी, गंदा पानी में भी बेरोजगारी है और दुकानदारी में भी बेरोजगारी चल रही है। तो इनका मानना है कि जो दुकानदारी है, जो धंधा है, वो इस वक्त मंदा है और अच्छी तरह से इनका कामकाज नहीं चल रहा है। तो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जो सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे कि इनका जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार हो पाए। और कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों अलग अलग लोगों से जुड़कर हम उनके रिएक्शंस ले रहे हैं और अब इनसे बात करके जानते हैं इनके मन की बात, क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में हूँ हाड़ोती में। धंधा नहीं है कुछ भी, काम धंधा कुछ भी नहीं है जी, हाँ कमाई भी नहीं है, मैंने पाल से बैठा रहता हूँ, कोई मतलब ही नहीं। क्या करते हैं आप जी? मैं कुछ भी चूड़े का काम करता हूँ, बाकी अब नहीं होता काम जी, हाँ काम नहीं होता। जो कुछ बेच लें तो अच्छी बात है, कुछ धंधा मिल जाए जी। तो इनका कहना है कि ये खुला काम करते हैं और स्थिति बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है क्योंकि इनके पास रोजगार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिसे ये स्थायी रूप से कर सके और अपना जो है जीवन वो व्यापन कर सके। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में हम जान रहे हैं लोगों के मन की बात और अब कुछ और लोगों से हम उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। और सर आपका नाम? अब्दुल करीम। तो क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में मगर महंगाई तो चल रही है, सब कुछ चल रहा है, परेशानी तो कुछ भी चल ही रही है, थोड़ी बहुत चलती है परिवार में और सब कुछ में कर रहे हैं, धंधा सब कुछ कर रहे हैं जी, दो वक्त की रोटी मिली रही है और क्या जी। तो इनका मानना है कि महंगाई है और जो समस्या है वो तो चल ही रही, लेकिन फिर भी ये संतुष्ट हैं कि इनका काम धंधा सब कुछ चल रहा है और बाकी सब कुछ कुशल मंगल है। और अब कुछ और लोगों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। तो दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती में, हाड़ोती के कुछ और लोगों से हम जुड़ते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बनवालाल शर्मा है, मैं नमकीन का धंधा करता हूँ। महंगाई से हमारे कुछ नहीं बचता है, चार बच्चे बच्चे उनका पेट भी नहीं भरता है जी। एक आदमी 1000 रुपए कमा लेता है, उसे भी घर खर्च नहीं चलता है। तो सर रोजाना कितनी बिक्री हो जाती है आपकी? पहले तो हो जाती थी 4-5 हजार रुपए की, अब 1500-2000 रुपए की भी नहीं होती है इस महंगाई के अंदर, खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। तो अब इस स्थिति में कैसे आप मैनेज करते हैं? क्या करें, टाइम पास करते है, हम तो कम खर्च करते हैं, बच्चे बच्चे इनको पैसे भी खाऊ कम खर्च करवाते हैं जी। और जीवन खाऊ तो ऐसे ही खराब हो रहा है, तो कुछ भी नहीं जी। तो स्थिति मतलब कुल मिलाकर खराब है? खराब ही है जी। तो इनका कहना है कि जो स्थिति है वो पहले से खराब है, पहले इनकी बिक्री अच्छी हो जाया करती थी लेकिन अब बिक्री कम होने से जो आमदनी है उस पर फर्क पड़ा है और कुछ कम में इन्हें कम अपना गुजारा करना पड़ रहा है। और अब हम कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और उनके मन की बात जानते हैं। आपका नाम? कलावती जी, क्या कहना चाहेगी प्रोग्राम में हाड़ोती में? मार चार रोसी चोरिया चे गांव भी नंबर ला, राशन सब बंद चे काय भी नंबर ला, बड़ा बड़ा आदमी ने तो मल रहा था, गरीबाना तो खाए ना मल जी। तो राशन आपका कार्ड वगैरह बना हुआ है? राशन तो बन रहा चे, फिर क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा काय? आपने डीलर से आपने बात की? रबा में गर्मी को ना डस यू की चोजे भी कराया सो। तो इसके लिए आपने कहीं पे शिकायत की? सारे वो है कलेक्टर की तगात में जब भी ना सुनी जी, हाँ कलेक्टर का पास भी है वहाँ भी अदालत में जब भी न सुनी वहाँ भी जी। तो इनका कहना है कि
इनको राशन नहीं मिल पा रहा है, घर जो है इनका वो भी गिर चुका है, तो इन्होंने शिकायत भी की है लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इस तरह की शिकायत इनकी है और आगे हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, उनके मन की भी बात जानेंगे। और दोस्तों इस वक्त सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं, आनंदपुरा सब्जी मंडी में, और यहाँ पर हम सब्जी वालों से बात करने जा रहे हैं और उनके मन की बात हम जानते हैं। तो आपका नाम? अनिता जी क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में? भैया हमारे को बरसों से धंधा कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे को रोड से लाके इधर लाके पटक दिया, धंधा नहीं हो रहे, मजदूर आदमी है, बच्चों को क्या खिलाएं, महंगा इतना हो रहा है जो हम कमा के नहीं खाने दे रहे लोग, और रोड पे जो ट्रेलर लगा रहे हैं हमारे को सब्जी मंडी दिया जाए जी। हाँ तो ये जो सब्जी विक्रेता है यहाँ पर जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, उनका ये मानना है कि उन्हें एक निश्चित एक स्थायी जगह दी जाए जहाँ पर ये अपनी सब्जियों का ठेला लगा सके, सब्जियाँ बेच सके और अपना जीवन जो है उसका निर्वाह कर सके और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़े। तो दोस्तों पान खाना तो हम सभी को पसंद होता है, लेकिन पान वाले भैया के मन में क्या है ये आज हम जानेंगे प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में। तो बात करते हैं और जानते हैं आपका नाम। अब्दुल। तो प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में क्या कहना चाहेंगे अब्दुल जी? अब्दुल जी यही कहना चाहेंगे कि अभी धंधे में इतना फर्क नहीं है, पहले जैसी बात नहीं है, लॉकडाउन से डाउन है थोड़ा, और अभी धीरे धीरे ही बैठेगा हर चीज़ का हिसाब किताब, एकदम नहीं बैठे अभी, मतलब बिखरा बट्टा कम है, पहले जैसी बात जी। तो पहले की और अभी की स्थिति में कितना बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, पहले लॉकडाउन से फर्क है। अब लॉकडाउन लगने के बाद फिर क्या है कि दुकानें हट गई, दुकानें हटने से क्या है सारा काम बिगड़ गया, अब धीरे धीरे एकदम तो जमता नहीं है, धीरे धीरे बैठ रहा है एकदम। अभी आप क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त क्या विचार है आपके? सर ये कह रहे हैं कि बैठे तो हैं, धीरे धीरे देखो फिर क्या होता है जी। तो इनका कहना है कि जो धंधा है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन एक उम्मीद इनके मन में है कि धीरे धीरे जो स्थितियां बेहतर होगी, वक्त के साथ साथ इनका जो काम है वो अच्छी रफ्तार से चलेगा। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे उनके। और अब एक पानी बताशे के स्टॉल पर हम हैं और ये ऐसी चीज है जिसे देखकर हम सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो वो जो हम सभी को पानी बताशे खिलाते हैं उनके मन में क्या है ये बात हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम में हूँ हड़ौती में? महंगाई हो रही है, खा नहीं पा रहे, कुछ परेशान है, अगर नहीं दे रहे ठेले को जी, तो हो रही है। किस जगह पे आपको लगाने के लिए कहा जाता है ठेला, यहाँ से अगर आप हटाते हैं तो? हटाते कहीं बोलते हैं जी, बंद कर दो और क्या। तो आपका जो काम है उसमें किस तरह से फर्क पड़ा है, क्या स्थितियाँ हैं? तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई, कुछ बच ही नहीं रहा जी, और क्या। तो जैसे लोग जो होते हैं वो बड़े शौकीन होते हैं पानी पताशे खाने के, तो बहुत ज्यादा स्थितियाँ आपके जो धंधे में है फर्क पड़ा है या पहले की कंपेरिजन में अभी फर्क पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कारोबार कोई भी हो, बिजनेस कोई भी हो, धंधा कोई भी हो, स्थितियां सब जगह एक जैसी, और सभी का ये कहना है कि जो वर्तमान समय है उसमें इनकी आजीविका में, इसके इनके रोजगार में कुछ कमी आई है। तो यही कहना है यहाँ के लोगों का। और आगे हम कुछ और लोगों से जुड़ेंगे जानने के लिए उनके मन की बात।